और लवणता और ज्वारभाटा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लवणता। सागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन बताता है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर, वान झील में, टर्की में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील स्थित है USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर में के पानी का औसतन खारापन है 36 PPT। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 36 PPT। अब हम लोग ज्वारभाटा के बारे में पढ़ेंगे। महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने के कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रित बल। अब कथन, लघु ज्वारभाटाओं के साथ उच्च ज्वारभाटा सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतम होता है, सही। और लघु ज्वारभाटा बृहद ज्वारभाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है, तो यह गलत है। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो बृहत ज्वार आता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है चंद्रमा के कारण। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं चंद्रमा के कारण। तो अब हम लोग महासागरीय गर्त के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय गर्त है एक तरफ, दूसरी तरफ है स्थान। एल्यूटियन जो है वो उत्तर प्रशांत महासागर में है। एल्यूटियन गर्त जो है वो उत्तर प्रशांत महासागर में है, जो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। कर्मेडक जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में है। कर्मेडक जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा हिंद महासागर में है। एस सेडविक जो है दक्षिण अंध महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है वो है चैलेंजर है। और डाया मेटिना गर्त जो है हिंद महासागर में है। अब हम लोग विश्व की नदियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ड्रेनेज एरिया जिसको अपवाह क्षेत्र भी कहा जाता है, कि दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन, वह नदी जो विषुवत रेखा के को दो बार पार करती है वो है जायरे। विषुवत रेखा को दो बार पार करने वाली नदी जो है जायरे है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है। वह देश नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, रवांडा, बुरंडी, DR, कोंगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान एवं मिस्र है। नील नदी ब्लू लाइन नदी कहलाती है। ताना झील को भी बोलते हैं, ताना झील को जो है नीली नदी भी कहते हैं। मिस्र नील नदी का उपहार है, तो यह है सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखली स्थान है, तो यह भी सही है। जो मानचित्र यहाँ दिखाए गए इसमें जो नदी है यह है साल्विन नदी। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित करती है वह है साल्विन। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित करती है वह है साल्विन। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे सर और अमु नदियाँ गिरती है कहाँ पर। अरल सागर में, काला सागर में गिरने वाली नदी द्वीप है निपर, डेन्यूब। वेल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। और एक तरफ हम लोग नदियाँ, दूसरी तरफ प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। लीना नदी जो है आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। और लामूर जो है प्रशांत महासागर। टिग्रिस जो है फारक की खाड़ी। माही जो है अरब सागर।
वह नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है वो है राइन। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को दो बार काटती है वो है लिम्पोपो। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ पर? श्रीलंका में। निपर यूक्रेन में है, पो इटली में है, राइन जर्मनी में है, रोन स्विट्जरलैंड में है और हिमानी झील इटास्का स्रोत जो है मिसिसिपी नदी का है। अब हम लोग नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में पढ़ेंगे। खार्तूम जो है नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। और बर्लिन जो है सप्रा नदी, पेरिस जो है सीन नदी, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी, मैड्रिड मिंजे नरेश नदी के किनारे है। लाहौर जो है पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है। रोम टाइबर नदी, लंदन टेम्स नदी, वियना डेन्यूब नदी, काहिरा नील नदी, वियना डेब्यू नदी। और पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में वो स्वान नदी, वहाँ पर स्वान नदी बहती है। बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी, हैम्बर्ग में एल्ब, बेलग्रेड में डेन्यूब, क्यूब में नीपर। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है वो है शंघाई। शंघाई में जो है हुआंगपू नदी बहती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।